हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और स्टोरेज क्लास की। जैसे आपका ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स की। ये एक और टाइप का स्टोरेज क्लास है जो सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। सो टुडे वी स्टार्ट विद स्टैटिक वेरिएबल्स। देखिए, स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो दोनों तरह के प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं, सिंगल फाइल प्रोग्राम में भी और मल्टी फाइल प्रोग्राम में भी। सिंगल फाइल प्रोग्राम और दूसरा होता है आपका मल्टीफाइल प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिंगल फाइल प्रोग्राम में द एंटायर प्रोग्राम इज कंटेंड विद इन ए सिंगल सोर्स फाइल। तो जो पूरा प्रोग्राम होता है वो सिंगल सोर्स फाइल में रहता है। और मल्टी फाइल प्रोग्राम में क्या होता है, वेयर द फंक्शन दैट मेक अप द प्रोग्राम आर कंटेंड इन सेपरेट सोर्स फाइल्स। तो इसमें कई कई सोर्स फाइल में प्रोग्राम जो है उसके फंक्शन अलग अलग सोर्स फाइल में स्टोर रहते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल सोर्स फाइल में पूरा प्रोग्राम रहता है। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल फाइल प्रोग्राम एंड दिस वन इज कॉल्ड मल्टी फाइल प्रोग्राम। अब सिंगल फाइल प्रोग्राम में क्या होता है, इन केस ऑफ सिंगल फाइल प्रोग्राम स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिफाइंड विद इन इंडिविजुअल फंक्शंस एंड देयर फोर हैव द सेम स्कोप एज ऑटोमेटिक वेरिएबल। सिंगल फाइल प्रोग्राम में जो स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो कहाँ पे डिफाइन होते हैं, विद इन इंडिविजुअल फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर। और एक तरह से इनका जो स्कोप होता है वो सेम होता है जैसे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को होता है। मतलब दे आर लोकल टू द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। मतलब जिस फंक्शन में डिफाइन किया गया है केवल उसी में उसका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर तक रहता है। हालांकि एक डिफरेंस भी होता है अनलाइक वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में, ऑटोमेटिक वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में, कि स्टैटिक वेरिएबल्स रिटेन दियर वैल्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएबल में ऐसा नहीं था। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि जो भी उसके अंदर वैल्यूज होती हैं वो जब तक प्रोग्राम रहता है, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ए फंक्शन इज एग्जिटेड एंड देन री एंटर्ड एट ए लेटर टाइम, मतलब कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ फिर आप उससे बाहर आ गए, फिर अपना मेन प्रोग्राम में जो भी होना है स्टेप्स वो हुए, दोबारा आप उस फंक्शन में जब एंटर करेंगे द स्टैटिक वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन दैट फंक्शन विल रिटेन दियर फॉरवर वैल्यूज। तो जो पिछली वैल्यूज थी वो स्टैटिक वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेंगी। दिस फीचर अलाउ, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएबल में ये चीज़ नहीं थी। दिस फीचर अलाउज फंक्शंस टू रिटेन इंफॉर्मेशन परमानेंटली थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो इससे फायदा क्या होता है कि फंक्शन जो है जो भी वैल्यू की, जो भी स्टैटिक वेरिएबल में आपने वैल्यू असाइन की है वो उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम रखता है अपने पास। अब इसमें नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिफाइंड विद इन ए फंक्शन इन द सेम मैनर एज ऑटोमेटिक वेरिएबल्स एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल डिक्लेरेशन मस्ट बिगेन विद स्टैटिक स्टोरेज क्लास डेजिग्नेशन। ठीक है, तो इसको उसी तरह डिफाइन करते हैं फंक्शन के अंदर जैसे हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल को अभी तक करते आए थे। बस ऑटो वर्ड की जगह पे यहाँ स्टैटिक वर्ड यूज होता है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स को आप आउटसाइड दियर डिफाइनिंग फंक्शन वहां से नहीं यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इट इज नॉट अनयूजुअल टू डिफाइन ऑटोमेटिक और स्टैटिक वेरिएबल्स हैविंग द सेम नेम्स एज एक्सटर्नल वेरिएबल्स।
In such situation, the local variables will take precedence over the external variables, though the values of the external variables will be unaffected by any manipulation of the local variables. Hence, the external variables maintain their independence from locally defined automatic and static variables. And this is true also for local variables within one function that have the same names as local variables within another function. तो ये सारे मेन चीजें हैं, स्पेसिफिकेशन है स्टैटिक वेरिएबल के लिए. अब इनका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए हम डिफाइन करते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को हम सी प्रोग्राम में कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लीजिए हमने कहा कि से एग्जांपल हमने इस तरह लिया, हमने एक डिफाइन किया फ्लोट ए बी सी, ये हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल्स को. अब मान लीजिए हमने यहाँ कोई प्रोग्राम बनाया void, और प्रोग्राम का नाम रखा हमने डमी void. ये हमने क्या किया, ये हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर दिया. ठीक, अब मेन के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे अगर हमें ए वेरिएबल यूज करना है तो हमने ऐसे यूज किया स्टैटिक, फिर हमने लिखा फ्लोट ए. ठीक है, और बाकी जो भी स्टेप्स है वो हमने लिख दिए और इसको बंद कर दिया. सिमिलरली अब जो void डमी फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है वो हमने लिखा void डमी. ठीक है, और इसके अंदर हमने डिफाइन किया स्टैटिक इंटीजर ए. ठीक है, फिर हमने कहा से इंटीजर बी, और यहां हमने ये void फंक्शन बंद कर दिया इस जगह पे. अब इसमें क्या होगा कि विद इन दिस प्रोग्राम ए बी सी आर एक्सटर्नल फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल. तो देखिए ये हमने जो है ए बी और सी डिफाइन किया है, ये एक्सटर्नल है और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है. हालांकि जो ए है उसको दोबारा हमने यहाँ पे रीडिफाइन किया है और स्टैटिक वेरिएबल बना दिया है. ठीक है, हाउएवर ए इज रीडिफाइंड एज स्टैटिक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स विद इन मेन, देयरफॉर बी एंड सी आर द ओनली एक्सटर्नल वेरिएबल्स दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन मेन. तो अब जब ए को हमने दोबारा से डिफाइन कर दिया, यहाँ स्टैटिक कर दिया, तो अब जो एक्सटर्नल वेरिएबल रह गए वो रह गए केवल बी और सी. ठीक है, अब इसमें क्या चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि द स्टैटिक लोकल वेरिएबल ए विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल वेरिएबल ए. तो ये जो हमने लोकल वेरिएबल ए डिफाइन किया है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल इस ए से डिफरेंट है. इसी तरह सिमिलरली ए एंड बी आर रीडिफाइंड एज इंटीजर वेरिएबल विद इन डमी. अब इसके अंदर हमने देखिए ए और बी इन दोनों को दोबारा से डिफाइन किया डमी फंक्शन के अंदर, और इसको हमने यहाँ पे तो फ्लोट थे, यहाँ हमने इसको दोबारा डिक्लेयर किया और इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है. इसका मतलब क्या हुआ कि नोट दैट ए इज ए स्टैटिक वेरिएबल बट बी इज एन ऑटोमेटिक वेरिएबल, हेंस ए विल रिटेन इट्स फॉर्मर वैल्यू व्हेनेवर डमी इज री एंटर्ड. जब भी आप फंक्शन में री एंटर करोगे ए अपनी पिछली वैल्यू को होल्ड करेगा, वेयर एज बी विल लॉस इट्स वैल्यू व्हेनेवर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ डमी. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सी इज द ओनली एक्सटर्नल वेरिएबल दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन डमी फंक्शन. इसके अंदर केवल सी ही एक ऐसा एक्सटर्नल वेरिएबल है जो रिकॉग्नाइज होगा. सिंस ए एंड बी आर लोकल टू डमी दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल वेरिएबल्स ए बी एंड सी एंड द स्टैटिक वेरिएबल्स ए डिफाइंड विद इन मेन. The fact that A and B are declared as integer variables within dummy and floating point variables elsewhere is therefore immaterial. तो ये इस तरह यूज किया जाता है static variable, और static variable और automatic variable या external variable क्या difference है ये भी हमने आपको बता दिया. अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमें static variable को declare करना है, ठीक है, तो क्या होता है कि इनिशियल वैल्यूज कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, द रूल्स एसोसिएटेड विद द असाइनमेंट ऑफ दीज वैल्यूज आर एसेंशियली
the same as the rules associated with the initialization of external variables. Even though the static variables are defined locally within a function. ठीक है, अब रूल कौन कौन से, भाई अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, इसको अगर हम डिक्लेरेशन के टाइम भी इनिशियल वैल्यू देनी है तो उसके कुछ जो रूल्स होते हैं, पहला क्या होता है कि द इनिशियल वैल्यू मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज कॉन्स्टेंट्स नॉट एक्सप्रेशन. तो इसको अगर आप कोई इनिशियल वैल्यू आप डिक्लेरेशन के टाइम दे रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये एक कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे इंटीजर कांस्टेंट हो चाहे आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो, इट शुड बी ए कांस्टेंट नॉट एनी नॉट एन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन की बजाय वहां पे वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट. ठीक, दूसरा रूल क्या है कि द इनिशियल वैल्यूज आर असाइन टू दियर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. द वेरिएबल्स रिटेन दिस वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम unless different values are assigned during the course of the computation. ये चीज हो गया. और थर्ड रूल क्या है कि zeros will be assigned to all static variables whose declaration do not include explicit initial values. मतलब आप अगर आपने कोई initial value static variable को नहीं assign की है तो by default वो zero ले लेगा. ठीक, hence static variables will always have the assigned values. इसीलिए static variable को हमेशा value assign कर दी जाती है. तो static variable का जो introduction था, जो उसका basic concept था, I hope कि वो आपको clear हो गया होगा. अब इसके use, इसका use program बनाने में कैसे करते हैं या programming में कैसे static variable का use होता है, इसको हम लोग next video lecture में discuss करेंगे. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके. थैंक यू.